हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर सपूति पर इंक फेंकने के मामले पर समाजवादी पार्टी के 2 कॉर्पोरेटर और 5 मेंबरों पर केस दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पर अबू आसिम आजमी मौजूद है, साइन पुलिस स्टेशन में उन लोगों को डिटेन किया गया था। आसिम भाई, पूरा मामला बहुत परेशानी है, समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया, 2017 में भी आपने लक्ष्मीदी लगी, आपने आवाज़ उठाई, बंद करने का ऑर्डर किया गया 2017 में, लेकिन अब तक कंपनी बंद नहीं हुई। 22 तारीख को फाइनली ऑर्डर था कि कंपनी बंद कर दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्टे मिल गया, ऑफिसर्स की मिली भगत का मामला मानने के बाद जो है वो इंक फेंकी गई। क्या कहेंगे पूरे मामले पर? अभी कोर्ट ने 29 तारीख को फिर से एक रिपोर्ट मंगाई है और इस सपाते वगैरह ने जाकर वहाँ स्टेटमेंट ये दिया कोर्ट के अंदर कि कंपनी बंद होगी तो बहुत दूसरे प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे, और उस कंपनी ने जो उससे पोल्यूशन बढ़ता था वो सब मैकेनिज्म चेंज कर दिया है, अब उस एरिए में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कोर्ट ने इनको स्टे दिया और जाकर 29 तारीख को ये लोग जाएंगे, जॉइंटली सर्वे होगा और एक फिर रिपोर्ट आएगी। हमने जब सपाते से बात करने की कोशिश की तो हमें मालूम पड़ गया कि सपाते की मिली भगत से हुआ है, इसलिए हमारे हमारे लोग कार्यकर्ता नाराज़ हुए, घुसे अंदर, सब जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं, उन पर बहुत सीरियस केस लगाया गया। उनको जो है निचली अदालत से बेल नहीं मिलेगी, इनको बेल मिलेगी सेशन कोर्ट से, हम वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन जितना भी सीरियस केस लगाना हो लगा लें, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम उस कंपनी को बंद करवा कर ही दम लेंगे। आदमी साहब, एक सवाल उठता है यहाँ पर कि एक आदमी ने इंक फेंकी और 7 लोगों पर केस रजिस्टर किया पुलिस ने। हाँ, पुलिस कहती है कि जितने लोग उसके अंदर थे, उस रूम में थे, वो सबको उसमें केस मिलेंगे। हमने सबसे बात किया, हमने DCP से बात किया, हमने कमिश्नर से बात किया, हमने CM से बात किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये सब की मिली भगत है, ये जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। कॉर्पोरेटर रुखसाना सिद्दीकी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने कहा कि बहुत निचली तरके मतलब बहुत निचली किस्म के लोग हैं गोवंडी के, इस तरीके के अल्फाज यूज़ किए, क्या कहना चाहेंगे? वो कमीना इंसान जिस तरह से बात किया, उसका नाम मिलेगा, उसको भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर सपूते का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं, वहाँ एक पुलिस वाले ने वहाँ ये बोला कि बहुत नीच हैं आप लोग, हालांकि सीनियर जो यहाँ की सीनियर, उन्होंने माफ़ी मांगा, लेकिन उसका नाम नोट किया गया, ये होने के बाद में उसको निपटेंगे हम लोग। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर होता है कि समाजवाद गोवंडी में 12 लाख के करीब करीब की आबादी है, एक SMS कंपनी से लोग परेशान हैं, आप आवाज़ उठा रहे हैं, पिछले 2 सालों से ज़्यादा हो गया आप आवाज़ उठा रहे हैं, 10 साल से लोग आप आवाज़ उठा रहे हैं, 10 साल से वो कंपनी वहाँ पर है, नया प्लांट वहाँ पर लगाने की कोशिश की जा रही है, क्या इंसान नज़र नहीं आ रहे गोवंडी के? नहीं नहीं, बिल्कुल इंसान बिल्कुल, ये गोवंडी के साथ लगातार नाइंसाफ़ी हो रही है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन सरकार जो है गोवंडी को बिल्कुल मौत का कुआं बना रही है। हम लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, जो नया उन्होंने पास किया है, अभी तो सिर्फ बात हुई है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि गोवंडी में हमारे जीते उन्होंने पास किया है, अभी तो सिर्फ बात हुई है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि गोवंडी में हमारे जीते जी कभी वो प्लांट लगने नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी ग्रुप लीडर रईस शेख हमारे साथ मौजूद है। रईस, बहुत बड़ा सवाल है, 10 से 12 लाख की आबादी है शिवाजी नगर में, 3 लाख से ज़्यादा वोटर्स है, बात की जाए कि इंसानों की, कि ऐसे प्लांट जहां पर लगाए जाते हैं वो आबादी से दूर होने चाहिए, उसको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो पॉल्यूशन कंट्रोल में, और पूरे देश में ऐसी आवाज़ चल रही है कि पॉल्यूशन को दूर करना चाहिए, उस जगह पर गोवंडी को निगलेक्ट किया जा रहा है माइनॉरिटी इलाका समझकर, क्या कहना चाहेंगे? तो इसके लिए आसिम भाई अभी बहुत अच्छे से इसको ट्रैक पे लेके चल रहे हैं। आसिम भाई अभी जो हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है उसमें भी इंटरवीन करेंगे, इंटरव्यू करके हम लोग कोशिश करेंगे कि अब टाटा इंस्टीट्यूट और IIT को भी अभी सर्वे के लिए बुलाया जाए। एक तरफ ही अभी बात नहीं होगी, बिल्कुल जो आंदोलन है एकदम पीक पे आ गया है, आप देख रहे हैं कि SML कंपनी की भी हालत ख़राब है, मुझे लगता है नतीजा महीने डेढ़ महीने में आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट भी अभी समझ गया है कि SMS कंपनी पैसा खर्चा करके बड़े काउंसिल खड़े कर सकती है। आज हमारे साथ एक व्यक्ति ने इंक फेंका, 9 लोगों को अंदर किया है, उन लोगों ने बहुत बड़ी कोशिश की कि सबको अरेस्ट किया जाए, आने वाले दिनों में SMS कंपनी को बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में भी अभी इंटरव्यू करके उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सड़क पे भी आसिम भाई कर रहे हैं और हाउस में भी कर रहे हैं, तो अब हर तरफ से उसको घेर दिया गया है। हमेशा से देखा गया है कि ऐसी कंपनी जिससे लोगों को तकलीफ़ होती है, लोगों को परेशानी होती है, लोगों को आज वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस की बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, दमे की शिकायतें हैं बहुत ज़्यादा, ऐसी कंपनी को MIDC एरिया में मैक्सिमम शिफ्ट किया जाता है, तो गोवंडी टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे, कंप्लेन करने वाले लोग गरीब हैं, सब हमारे लोग हैं, तो माइनॉरिटी इलाका है, गरीब इलाका है, इससे अच्छा BJP को कौन सा जगह मिलेगी जहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाए? ये मुसलसल किया जा रहा है, और ये चाहे कांग्रेस NCP हो या BJP शिवसेना हो, सबकी पॉलिसी है कि ऐसे इलाके ढूंढिए जहाँ गरीब है, जहाँ माइनॉरिटी है, इसलिए गोवंडी में लाते हैं, लेकिन
जो मैं आपसे कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हाई कोर्ट में अब जो मैटर है वो एकदम आखिरी बोलते ना सारा लेके एसएमएस खड़ा है। 29 की जो सर्वे है वो सर्वे रिपोर्ट के बाद हम लोग आईआईटी से वीजीटीआई से और जिस से सारे रिपोर्ट्स लेके हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जो स्टे मिला है एसएमएस को वो वेकेट होगा। अब एक नया प्रोजेक्ट आने की कोशिश कगार पर है, नया प्रोजेक्ट जो है वो कल स्थायी समिति में आइटम नंबर 38 बिना चर्चा के पारित हुआ, अभी आया नहीं है। हाउस में उसको रोकने का काम करेंगे, वर्क ऑर्डर भी रोकने का काम करेंगे और इमीडिएटली आज आसिम मैंने उस पर एक्शन लिया है, उसको कमीशन से भी बात की है। वो जो प्लांट है वो आने वाला नहीं है। इसमें एक सवाल है, यहाँ पर गोवंडी के लोग ऑलरेडी एसएमएस कंपनी से परेशान सता रहा है लोगों को। देखिए जो हाईकोर्ट से ऑर्डर आएगा वो इस कंपनी पर भी इम्प्लीमेंट होगा। जो इंटरवेंशन हो रहा है उसमें तरह तरह की अलग आईटी हो वीजीटीआई हो सबकी रिपोर्ट लेके जाएंगे, हमेशा के लिए पोल्यूशन प्लांट गोवंडी में बंद कराएंगे। बहुत अहम सवाल यहाँ पर था कि एक आदमी ने इंक फेंकी और उसका भुगतान जो है वो समाजवादी के दो कॉरपोरेटर और बाकी वर्करों को भुगतना पड़ा। 7 लोगों पर 353 का सेक्शन लगा के सेशन कमिटी का केस रजिस्टर किया गया है यहाँ पर। अब एक कंपनी जो है वो आने वाली है, एक तरफ एसएमएस कंपनी से राहत ही नहीं मिली गोवंडी को, वहीं दूसरी तरफ गोवंडी के लोगों के लिए एक जानवर जो है उनको जलाने का प्लांट की एक तैयारी की जा रही है। रईस भाई ने कहा और आसिम भाई की तरफ से बात होने के बाद ये पता चला कि उस कंपनी को पूरी तरह आने ही नहीं दिया जाएगा, उसका पूरी तरह बायकॉट किया जाएगा। अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई।